तीसरी कृषि फॉर्म की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। कतिपय माफियाओं और प्रशासन की मिलीभगत से खेला गया है खेल। निष्पक्ष जांच हुई तो केवल कृषि फॉर्म ही नहीं बल्कि अन्य सरकारी जमीन की लूट से उठेगा पर्दा। सरकारी जमीन को बचाने को लेकर धरना पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार शर्मा। तीसरी प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि फॉर्म की सरकारी जमीन बड़े पैमाने पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि भूमाफिया खुलेआम मुक्त जमीन को पिछले कई वर्षों से प्रशासन की नाक के नीचे हथियाते रहे हैं, जबकि प्रशासन इस मामले में पूरी तरह मूक दर्शक बना रहा है। इस चुप्पी के पीछे की वजह प्रशासन ही जाने, परंतु इसको लेकर क्षेत्र में जितनी मुंह उतनी बातें की जा रही है। जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक स्थिति भयावह है। कृषि विभाग द्वारा फॉर्म की अपनी जमीन का सीमांकन कराया गया है, परंतु सीमांकन में गड़बड़ी बरतकर माफियाओं को बचाने का प्रयास करने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि माफियाओं ने कृषि फॉर्म की जमीन पर बड़े पैमाने पर कब्जा कर रखा है। विभाग द्वारा इसे नजरअंदाज करते हुए अपनी जमीन का सीमांकन कराया गया है, ताकि अवैध कब्जाधारियों को फायदा पहुंच सके। सूत्र बताते हैं कि इसके पीछे बड़े पैमाने पर मुद्रा मोचन किया गया है। बताया जाता है कि इस जमीन को तो माफियाओं ने लूटा सो लूटा, कुछ माफियाओं द्वारा इसे मोटी कीमत लेकर दूसरे लोगों को बेच भी दिया गया है। तीसरी के सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार शर्मा ने कई बार स्थानीय और जिला प्रशासन को आवेदन सौंपकर इस मामले की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए जांच की मांग की है। राजकुमार शर्मा के मुताबिक कृषि फॉर्म के खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 40 के 25 एकड़ जमीन का 40% स्थानीय लोगों व भूमाफियाओं द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है। बताया जाता है कि लोगों ने कब्जा किया तो किया, कब्जा किए गए जमीन का कुछ लोगों के द्वारा तीसरी अंचल कार्यालय की मिली भगत से फर्जी बंदोबस्ती का कागजात भी तैयार करवा लिया गया। सामाजिक कार्यकर्ता की माने तो उक्त जमीन पर स्थित तालाब में कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से मछली पालन भी की जा रही है। वहीं प्रशासन चुप्पी साधे हुए, विभाग गलत सीमांकन करके भूमाफियाओं को बचाने में लगा है। राजकुमार शर्मा सोमवार से कृषि फॉर्म की जमीन को अविलंब कब्जा मुक्त कराने सहित दो मांगों को लेकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। कृषि फॉर्म की जमीन की लूट से मुक्त कराने के अलावा उनकी दूसरी मांग प्रखंड में जल नल योजना में संवेदक द्वारा बरती गई भारी गड़बड़ी का आरोप है। प्रशासन से उक्त दोनों मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग उन्होंने की है। राजकुमार शर्मा ने बताया कि वे पूर्व में इन दोनों मामलों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय, गिरिडीह उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, प्रखंड विकास पदाधिकारी तीसरी और अंचल अधिकारी तीसरी के पास RTI के माध्यम से लिखित शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कुछ दिन पूर्व ही केवल तीसरी पंचायत और लोकाय पंचायत में चल रहे जलनल योजना की जांच भी की गई थी। वे इस जांच से संतुष्ट नहीं है। प्रशासन द्वारा संज्ञान नहीं लेने के कारण अंततः उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर उन्हें अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। उन्होंने तीसरी में कृषि फॉर्म की जमीन को कुछ माफियाओं द्वारा कब्जा कर बेच दिए जाने के मामले को लेकर कृषि फॉर्म की जमीन को तत्काल भूमाफियाओं से मुक्त कराकर जमीन को बचाने की मांग प्रशासन से की है। बहरहाल सामाजिक कार्यकर्ता के आरोप बेहद गंभीर हैं। प्रशासन को मामले की उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए। अगर निष्पक्ष तरीके से प्रशासन द्वारा जमीन लूट मामले की जांच हुई तो केवल कृषि फॉर्म ही नहीं बल्कि अन्य सरकारी जमीन की लूट की पूरी कुंडली खुलने की प्रबल संभावना है। साथ ही इस घालमेल में कई लोगों और प्रशासन के लोगों की गर्दन भी फंसेगी। इस बाबत प्रभारी CO दीपक कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी तक इस मामले में कोई भी आवेदन नहीं मिला है। अगर आवेदन मिलता है या ऊपर से कोई आदेश आता है तो इस पर जांच जरूर होगी। अगर मामला सत्य पाया गया तो उस पर कार्रवाई भी जरूर होगी। योजना, कृषि विभाग, प्रजा केंद्र, इसी मुद्दे के लिए ये मांग है कि सही तरीके से ठेकेदार लोग, मैंने ठेकेदार जाई उसकी मिली भगत से मैंने काम वहाँ घटिया किस्म में किया जा रहा है। इसकी पूरी तरीके से उच्च स्तरीय से पहले भी मैं लिखित दिया था तो उस टाइम मतलब कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसीलिए मैं भूख हड़ताल में बैठा हूँ।